तो हेलो गैस, ये था GT5 का गोस्ट राइडर मोड जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त मोड है। सो चलिए गैस, आज हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने GT5 में और आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से आप इसको डाउन कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सारा सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो स्टार्टेड। तो यहाँ पर गैस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। डाउनलोड का लिंक तो आपको मिल जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, सिंपल आपने उस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पोस्ट ओपन जाता है। तो यहाँ पर गैस आप देख सकते हैं ये मेरा वेबसाइट है और यहाँ पर आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल कर देना है। इसकी फीचर्स आप देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन, हॉटकीज, स्क्रीनशॉट, सारी चीजें आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं और इस दोनों बटन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दोनों बटन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मीडिया फायर से, गूगल ड्राइव से, तो इससे आप आराम से डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पर। यहाँ पर गैस आप देख सकते हैं GT5 का शॉर्टकट भी है और GT5 गोस्ट राइडर का फाइल भी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल इस फाइल पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है, आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा। सिंपल इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दीजिए। यहाँ पर गैस आपको ये सारी फाइल्स मिलते हैं, तो यहाँ पर हमने घबराना नहीं है। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल इस गोस्ट राइडर फाइल सेटअप पर क्लिक कर देना है, मतलब इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। यहाँ पर गैस आपको ये .oiv फाइल मिलता है, मतलब पैकेज इंस्टॉलर आपको इस मोड में मिलता है। आप सिंपल इजी तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपने क्या करना है, ओपन आईवी टूल को ओपन कर देना है। लेकिन गैस अगर आपके पास ओपन आईवी टूल नहीं है तो आपने फर्स्ट एक वीडियो वॉच कर लेना है जिसका नाम है बेसिक नीड्स। मतलब उस वीडियो में आपको ये बताया जाता है कि GT5 को मूव करने से पहले जितने भी काम है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब सारे काम आपने कर देना है। और अगर आप पहली दफा मूव को इंस्टॉल कर रहे हो तो उस वीडियो को आपने लाजमी वॉच कर देना है। उसमें आपने ये सीखना है कि हम GT5 को किस तरह से मूव कर सकते हैं, तो सारे काम उसमें कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपने क्या करना है, ओपन आईवी टूल को ओपन कर देना है, तब आपके पास ओपन आईवी टूल भी होगा। तो चलिए यहाँ पर ओपन आईवी टूल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, सिंपल आपने GT5 को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करके आपके पास फाइनली ओपन आईवी टूल ओपन हो जाएगा। जैसे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। सबसे पहला काम आपने ये कर देना है कि एडिट मोड को आपने ऑन कर देना है, येस कर देना है इसको। फिर यहाँ पर हमने क्या करें, सिंपल इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं और यहाँ पर हमने इसको ओपन कर देना है जो अभी हमने फाइल्स डाउनलोड की। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं गोस्ट राइडर पैकेज इंस्टॉलर, सिंपल आपने इस पर क्लिक करके होल्ड कर देना है। यहाँ पर लाके सिंपल पेस्ट कर देना है, मतलब ड्रॉप कर देना है। आपके पास ये पैकेज इंस्टॉलर ओपन हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर हमने क्या किया, इंस्टॉल बटन पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमने मूड फोल्डर को सेलेक्ट कर देना है, कंफर्म इंस्टॉलेशन, और यहाँ पर आपने सिंपल यहाँ पर इंस्टॉलिंग के लिए वेट कर देना है। थोड़ी देर वेट कर दीजिए ताकि आपके पास ये इंस्टॉल हो जाए। तो जिससे गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल क्लोज बटन पर आपने क्लिक कर देना, इसको क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने बैक जाना है और यहाँ पर आपको ये गोस्ट राइडर 5 बाइक अदर मिलता है। आपने सिंपल इस फर्स्ट फोल्डर को ओपन कर देना है। यहाँ पर भी आपको ये 3 पैकेज इंस्टॉलर मिलता है, तो आपने बारी बारी सबको इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये ओपन हो जाएगा इंस्टॉल और यहाँ पर अपने मूड, कंफर्म इंस्टॉलेशन, यहाँ पर आपने सारी चीज़ें कर देना है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल क्लोज बटन पर आपने क्लिक कर, इसको भी आपने क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पर मैं सिंपल इस दोनों को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गैस आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अब हमने क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर आपको ये गोस्ट राइडर 5 पैड मिलता है, मतलब गोस्ट राइडर का पैड आपको यहाँ पर मिलता है। इस फोल्डर को ओपन कर दीजिए, यहाँ पर आपको ये सारी फाइल्स मिलते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने मूड्स पे जाना है। ओपन एवी टूल में आपने मूड्स फोल्डर को ओपन करना है, अपडेट फोल्डर को ओपन कर दीजिए, 164 DLC पैक्स, एडोन पैड्स, और यहाँ पर आपने DLC.rpf फाइल को ओपन करना है, pads.rpf फाइल को ओपन कर दीजिए। यहाँ पर गैस आपने क्या करना है, इस चारों फाइल को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लाके सिंपल ड्रॉप कर दीजिए, इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए।
दीजिए। तो आपने इस तरह से कर देना है। फिर यहाँ पर हमने ओपन है वीडियो को क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर दीजिए, इसका काम नहीं है। फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, राइट क्लिक कर देना है GT5 की शॉर्टकट पर और यहाँ पर हमने ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। आपके पास ये मेन डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी GT5 की। यहाँ पर हमने एडोन फेड्स एडिटर बाय बेस्ट मोडिंग पाउडर आपको मिलता है, लेकिन कैसे अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने उस वीडियो को वॉच कर देना है, बेसिक नीड्स का वीडियो आपने वॉच कर देना है, उसमें सारे काम करके आपके पास फिर ये पाउडर होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपने एडोन फेड्स एडिटर पर राइट क्लिक करके इस फाइल पर राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर पर आपने क्लिक कर देना है। आपके पास यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, थोड़ी देर वेट करके आपके पास ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल पेड्स पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर न्यू पेड पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, मॉडल नेम को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, जिस फाइल्स को आपने डाउनलोड किया है उस फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर दीजिए। यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपने बाइक पे जाना है, GT5 बाइक अदर, यहाँ पर पेड, और यहाँ पर हमने इसका फर्स्ट जो नाम है सिंपल इस पर क्लिक करके फिर क्लिक कर दीजिए। इसका फर्स्ट नाम हमने यहाँ पर कॉपी करना, राइट क्लिक करके कॉपी कर दीजिए। फिर यहाँ पर सिंपल इसको मिनिमाइज कर देना है और यहाँ पर आपने एडोन फेड एडिटर को आपने फिर से ओपन कर देना है। यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मॉडल नेम है, यहाँ पर राइट क्लिक करके उसको आपने पेस्ट कर देना है जो फर्स्ट नेम हमने कॉपी किया था। यहाँ पर फेड टाइप को यहाँ पर मेल कर देना है और यहाँ पर तीसरी वाली को फल्स कर दीजिए। फिर यहाँ पर एड बटन पर आपने क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, सिंपल रिबिल्ड बटन पर आपने इस पर मतलब क्लिक कर देना, प्रेस कर देना इसको, इसको आपने भूलना नहीं है, आपने मस्ट कर देना है। फिर आपने क्या करना है, सिंपल इसको क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। हमारा सारा काम हो चुका है, सीधा आपको GT5 में मोड दिखाते हैं, बिल्कुल सिंपल इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर GT5 की शॉर्टकट से GT5 को ओपन करके आपको मोड दिखाते हैं। तो यहाँ पर गैस आप देख सकते हैं हमारा जो गेम है बिल्कुल सिंपली ओपन हो चुका है। सोचिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बाहर चलते हैं, आपको यहाँ पर गोस्ट राइडर मोड दिखाते हैं। तो गोस्ट राइडर मोड आपने किस तरह से एक्टिवेट कर देना है, तो यहाँ पर क्या करें, सिंपल एक की दबाना है, मतलब दो की दबाना है, कंट्रोल प्लस जी बटन को आपने प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं हमारा जो गोस्ट राइडर है यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं इसका फेड वगैरह सब कुछ आ चुका है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पर इसका दिखाते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, वेबसाइट पे आप इसका यूजिंग फुल देख सकते हैं, जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे भी यहाँ पर आप ई बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पर इसका जो पावर है वो चेंज होते रहते हैं। इसका चेन अभी आ चुका है, तो चेन आप इस तरह से इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये गेट क्यों नहीं खुल रहा, चलो खैर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको सारे पावर्स दिखाते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर से ई बटन को प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर ये अब खुल चुका है, चलिए बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर कैसे आप जैसे एक ये फावर है इसकी, इसकी मुंह से कुछ आग निकलती है, ये फावर है। फिर यहाँ पर फिर से प्रेस करते हैं और यहाँ पर ये बॉल फेंकता है ग्रेनेड के जैसा, काफ़ी ज़बरदस्त बॉल फेंका है। फिर यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं, ये इसका चेन है जो जंजीर होता है, और फिर यहाँ पर कुछ ये है मेरे ख्याल से, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्लियर पर काम करता है। तो यहाँ पर जैसे ये फ्लियर है, ये पुलिस है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर कैसे आप जैसे जैसे वो कुछ मूर्ति बना दिया, मतलब स्ट्रक कर दिया। फिर यहाँ पर इस तो कुछ ये पावर है इसके पास, और बाकी आप इसका बाइक किस तरीके से ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमें सिंपल कंट्रोल बी बटन को प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं गाइस इसका बाइक आ चुका है, एफ बटन को प्रेस कर दीजिए और फिर आप इससे तो भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूज़िक को ऑफ कर लेते हैं, और बाइक में भी आप सारी पावर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर फायर बॉल पावर है, यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं इस तरह के बाइक में भी आप इसकी पावर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और तो बस गैस यही पावर थी इसके पास, और आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग मोड के साथ। गैस अगर आप वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई गोस्ट राइडर मोड को इंस्टॉल कर सके अपने GT5 में। और बाकी आप मुझे सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया का सारी लिंक मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब पे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर दीजिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में।